सो गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज़ विशाल। सो आज दोबारा से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। आज जो बाइक आप सामने देख रहे हैं, दिस इज डुकाटी हाइपर मोटार्ड। तो गाइस, ये लेटेस्ट बाइक है, 21 मैन्युफैक्चर है एंड 21 ही रजिस्टर्ड है। एंड ये जो बाइक है मार्केट के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलती नहीं, क्योंकि लोगों ने बहुत कम ही इसको बाय किया है। बाय करने का रीज़न ये है कि 17.5 लाख रुपये की दिल्ली ऑन रोड पड़ती है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। 17.5 लाख के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बट ये जो बाइक बनी है बाइक बहुत डिफरेंट है, मतलब हर किसी के लिए नहीं बनी है। लेकिन जब इस बाइक को मैंने पर्सनली फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस बाइक को चलाना बनता है एंड एक बार देखना तो बनता है क्या है। बट इस बाइक को जब चलाने के बाद मैंने इसका जब पोस्चर देखा तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया। मैंने कहा बाइक मेरे लिए बनी नहीं है, एंड किसके लिए बनी आई डोंट नो। जब चलाने के बाद पता लगा कि ये जो बाइक बनी है मेरे अकॉर्डिंगली वो बनी है आपके स्टंट्स के लिए, जो स्टंट करने में इंटरेस्टेड होते हैं, वीलियम मारने में इंटरेस्टेड होते हैं, रोड ऑफ रोड यूज़ करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो लोग इस बाइक को अच्छा सा फन कर सकते हैं। एंड बाइक जो है गाइस, ये 950 cc की बाइक है, जैसे कि आप देख रहे हो हाइपर मोटार्ड 950 cc। एंड ये जो बाइक है अराउंड 113 bhp प्रोड्यूस करती है विद 96 Nm ऑफ टॉर्क। इससे पहले वाला जो हाइपर मोटार्ड आता था वो आता था आपका हाइपर स्टाडा आता था, वो आता था 821 cc का, जो कि डुकाटी मॉन्स्टर वगैरह में इंजन आता था। तो गाइस टायर भी देख सकते हो, 180 का रियर टायर है, जो कि नॉर्मल सुपर बाइक्स में आता है। एंड 17 इंच का अलॉय, सिंगल साइड स्विंगम है, जो कि देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है जैसे आप देख रहे होगे। इसके अलावा इसमें ड्यूल डिस्क विद ब्रेम्बो कैलिपर्स, ऑफ कोर्स डुकाटी है तो ब्रेम्बो ही यूज़ करेगी। एंड दो तीन चीज़ें मुझे जिसकी अच्छी लगी, एंड एक तो इसका लुक्स सबसे अच्छा है, आप जहाँ खड़ी कर दोगे लोग उसके बारे में पूछेंगे कि क्या है, क्यों है, कैसे हैं। दूसरा, इसके अंदर जो क्विक शिफ्टर था वो बड़ा सही काम करता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और जैसे कि यहाँ देख रहे हैं इसमें क्विक शिफ्टर लगा हुआ है, और इसकी डुकाटी की ये टेल टाइट, इसकी बैक लाइट भी बड़ी सुंदर है। और इसके अंदर एक्सेसरीज में ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाऊंगा जो मुझे पसंद आई पर्सनली। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो। एंड नॉर्मल क्या करते हैं हम लोग, जब इन लोगों को नॉलेज नहीं है कि जब बाइक की सुपर बाइक से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें इसको वार्म करना पड़ता है, लेकिन बिना वार्म करे हम लोग इसको थ्रॉटल देते हैं। तो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, मैंने जैसे बाइक को स्टार्ट किया, बाइक अभी स्टार्ट है, तो स्टार्ट करने के बाद जैसे ही मैं इसका थ्रॉटल दूंगा ना खड़ी के अंदर, आप देखना क्या होगा। 4000 ऊपर से RPM अलाउड ही नहीं करेगा कि आपको उसको थ्रॉटल दो। देखो मैंने पूरा थ्रॉटल दे रखा है, वो रेड लाइन दिखा रहा है बट अलाउड नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंजन को हार्म करता है। तो ये बहुत अच्छा कूल फीचर लगा मुझे डुकाटी के अंदर, एंड लेटेस्ट अभी सभी डुकाटी के अंदर आ रहा है, पहले नहीं आता था। तो आई एम श्योर कि डुकाटी आगे आने वाले टाइम के अंदर हर कंपनी इस फीचर को देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोग बिना वार्म करे लोग बाइक के इंजन को फुल थ्रॉटल करते हैं, जो कि हार्मफुल। एंड इसका अगर फुल थ्रॉटल देखना है तो आप इसका स्टैंड हटा के इसको गियर में डाल के करोगे तो इसका फुल RPM शूट कर सकते हो। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे LED हेडलैम्प्स है, ठीक है, ये इंडिकेटर्स भी इसके यहाँ पर आते हैं LED वाले, जो कि बड़े सही लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ चार इंडिकेटर चला के, देखो। और इस बाइक तो अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है। इसके अंदर एक्सेसरीज भी लगी हुई है अराउंड EvoTech का, जैसे कि आप देख रहे होगे रेडिएटर ग्रिल लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें डुकाटी का टैंक पैड लगा हुआ है परफॉर्मेंस का, और आई एम नॉट श्योर एक दो एक्सेसरी और होंगी इसके अंदर जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ। बट बाइक गाइस, इस बाइक के बारे में ज़रूर मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी। मुझे पसंद आई भी है और नहीं भी आई है, बट आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा पर्सनली कि आप लोगों को बाइक कैसी लगी। और ये बाइक ऑन सेल अवेलेबल है हम लोगों के पास, तो अगर आपको इंटरेस्टेड है इसमें बाय करने के अंदर तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। सो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी बाइक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।